हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता ठाकुर आज आपको जो है हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ाऊंगी, हिमाचल प्रदेश की वैलीज घाटियों के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं घाटियों के बारे में बताना चाहूंगी। घाटियां क्या होती है? घाटियां वो स्थल होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होते हैं, नदियों के किनारे बसे हुए मतलब बने हुए क्षेत्र होते हैं, स्थल होते हैं जहाँ पर जो है औद्योगिक केंद्र लगते हैं, बड़े बड़े गाँव शहर बस्तियाँ बसती है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है उपजाऊ होते हैं। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जो है आसपास के स्थल को क्या बनाया जाता है? उपजाऊ बनाया जाता है, उथला हुआ भाग होता है, इसे ही घाटियां कहा जाता है। ठीक है, तो घाटियां कौन सा क्षेत्र है? नदियों के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जो है धन धान्य इस रूप से होता है क्योंकि वहां पे जो है हर चीज जो है उपजाऊ क्षेत्र होता है। ये वहां पे इंडस्ट्री स्थापित की जाती है, वहां शहर बसते हैं, गाँव बसते हैं। और इसी तरह से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सतलुज घाटी जो है कहाँ पे है। ये आपको शिपकिला दर्रा जो आपकी सतलुज नदी जब एंटर करती है किन्नौर में, वहां से शुरू होती है और बिलासपुर गांव भी है, कहाँ? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहां तक स्थित है। और ये सबसे लंबी घाटी भी है, 320 किलोमीटर नदी जो है ये हिमाचल में बहती है और इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। तो दूसरे नंबर पे क्यारता दून घाटी जो कि पोंटा घाटी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि पोंटा शहर जब से बसा है यहाँ पे और ये जो है सबसे ज्यादा विकासशील घाटी के रूप में भी शहर को माना जाता है। ये यमुना नदी क्योंकि अभी 2016 में जो है लेक्चरशिप में जो है हिस्ट्री के पूछा गया था कि कौन सी नदी जो है क्यारता दून घाटी को सिंचाई करती है या फिर उसको सींचती है, तो कौन सी नदियाँ सिंचाई करती है? बाटा और गिरी, ये दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इस घाटी को जो है क्या करती है, पानी देती है। और यहाँ पे व्यापारिक रूप से हो चाहे आपके कृषि रूप से हो तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। यहाँ पे प्रसिद्ध जो स्थल है गुरुद्वारा जो कि गुरु गोविंद सिंह के लिए बनाया गया है और राम मंदिर यहाँ पे स्थित है गुरुद्वारे के साथ में ही। राजा राम कहा जाता है कि राजा शमशेर प्रकाश ने जो है क्या है पहली बार यहाँ पे जो है इस घाटी में लोगों को बसाया था। इससे पहले जो ये बहुत घना जंगल होते थे और यहाँ पे जो है जंगली जानवर रहा करते थे जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे लोग नहीं आते थे, लेकिन जब से राजा प्रकाश आया तो उसने जो है इस घाटी पे लोगों को बसाना शुरू किया था। तो राजा शमशेर प्रकाश ने सबसे पहले इस घाटी में जो है उनके साथी लोग यहाँ रहने। और इसकी जो सहायक घाटियां हैं सोलम के साथ लगती हुई सपरो घाटी और दून घाटी। तो अगर क्यारता दून पूछा जाए तो क्यारता दून घाटी कौन सी है? ये पोंटा घाटी के नाम से भी जानी जाती है, लेकिन दून घाटी आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट की इसके सहायक घाटियां हैं जो कि बाउंड्री बनाती है। और क्यारता दून जो घाटी है देहरादून को यमुना नदी जो है देहरादून को हमारी क्यारता दून घाटी से अलग करती है। ठीक है, कौन सी नदी? यमुना नदी, जिसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सरसा घाटी इस सोलन में डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, नंबर तीन पे है सरसा घाटी। ये कालका से नालागढ़ तक फैली हुई है। कहा जाता है कि बल्द नदी जो है क्या है कुम्हारहट्टी के बाद जो है उत्तंग शिखर से निकलती है और उत्तंग शिखर से निकलते हुए शिवालिक पहाड़ी के पास आकर कहाँ पर ये सरसा नदी का निर्माण करती है और इसके साथ में चलती हुई जो स्थल है वो सरसा घाटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कसौली जो क्षेत्र इसी घाटी में पाया जाता है। ये मंकी पॉइंट पूछा जाता है, मंकी पॉइंट कहाँ है तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में। अगर पूछा जाए बंदर घाटी कहाँ है तो आपकी कहाँ मिलेगी, शहद घाटी बंदर घाटी चंबा में मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है मंकी पॉइंट कहाँ पे है तो आपकी सोलन में है और बंदर घाटी कहाँ पे है आपकी तो चंबा में। तो कहा जाता है कि कसौल में जो क्या हुआ था कि यहीं पे 1905 में जब हमारा क्या हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था करजन के द्वारा, उस समय जो है डॉक्टर सैंपल जो है इन्हीं अंग्रेजों का, उन्होंने क्या किया था पाश्चर का एक यहाँ पे केंद्र खोला था जो बाद में जो है आज जो जाना जाता है केंद्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पूरे भारत में पूरे विश्व में क्या बनाए जाते हैं टीका बनाए जाते हैं। पाश्चर कौन से होते हैं? दूध में भी पाश्चरकरण की क्योंकि कीटाणु को मारने के लिए होती है, जो कुत्ते के पागल कुत्ते के काटने पर जो क्या नाम के टीका लगाया जाता है वो पाश्चरकरण की उससे विधि से लगाया जाता है। सांपों को सांप के काटने पर जो टीका बनता है वो भी यहीं पर बनता है। कहाँ पे बनता है? ये कसौल में। ठीक है, तो आगे कहा जाता है कि सनावर स्कूल भी यहीं पे इसी से 5-6 किलोमीटर आगे कसौल से 500 किलोमीटर जो है क्या है सनावर स्कूल। और ये लॉरेंस ने विश्व विख्यात यहाँ से विश्व से जो है लोग आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने और हमारे भारतवर्ष के भी विभिन्न जो राज्य हैं उनसे पढ़ने यहाँ पे आते हैं। कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे लीडर रहे हैं वो भी यहाँ पे पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो लॉरेंस स्कूल जो कि आपके वायसराय भी रहे हैं, कौन रहे, जिन्होंने 1864 में शिमला को अपनी कैपिटल बनाई थी ब्रिटिश
कंपनी की, ब्रिटिश भारत की जो कैपिटल बनाई थी, तो किसने बनाई थी 1864 में, इसी लॉरेंस ने बनाई थी। और लॉरेंस ने सनावर स्कूल का भी उद्घाटन किया था, कहाँ पे, कसोल से 5 ही किलोमीटर आगे। दूसरा जो है आपके यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे एक राम शहर का किला भी बनाया, राम शहर का किला, जिसे जो है नालागढ़ किले के नाम से कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका कौन सा है, हंडूर का किला, कल्याण सिंह ने जो बनाया था। और यहाँ पे रिवाजर एक धार्मिक स्थल है, जो कहा जाता है कि 7 जो है मिट्टी के टीले हैं जो कि टेढ़ते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। रिवाजर मीन्स घूमना। रिवाजर झील कहाँ पे है आपके, वहाँ पे भी 7 पानी के टापू है जो कि घूमते रहते हैं, उसके ऊपर द्वीप घूमते रहते हैं। तो रिवाजर मीनिंग ही वहीं से निकलता। तो रिवाजर अगर पूछा जाए कि मिट्टी के टीले कहाँ पे पाए गए हैं, तो वो कहाँ पे है, इसी कसोल में, ठीक है, इसी घाटी में दिखाई देते हैं। तो आगे जो है आपकी और पंजोर जो है, पंजोर हरियाणा में पाया जाता है, चिड़ियाघर के लिए फेमस है, प्रसिद्ध स्थल है ये, कालका से 7 किलोमीटर आगे है और यहाँ तक ये घाटी जो है फैली हुई है। पंजोर जो हरियाणा का जो स्थल है वो भी इसी घाटी में, किस घाटी में, सरसा घाटी में। सरसों याद रखनी है, तो सरसों का उत्पादन कहाँ करेंगे, किस घाटी में करेंगे, सोलन जाके करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चौथी जो घाटी है चौतरा घाटी, चौतरा घाटी कहा जाता है कि जोगिंद्र नगर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में वहाँ पे स्थित है। और जोगेंद्र नगर किसे किसके नाम पे पड़ा, जो अंतिम जो वहाँ का शासक था, अंतिम जो वहाँ का राजा था, अंतिम राजा कौन था मंडी शहर का, तो मंडी का, मंडी रियासत का, तो ये जोगेंद्र सिंह थे। तो वहाँ ये कौन सी, चौतरा, क्योंकि जोगेंद्र सिंह कैसे थे, चौतरे थे। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो धौलाधार की तलहटी पे, धौलाधार जो बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं उसके जो तलहटी वाला जो स्थल है वहाँ पे ये घाटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा जो कहा जाता है कि सवा घाटी, सवा घाटी कहाँ पे है, जसवा घाटी के नाम से भी जानी जाती है। और जसवा आपको पता है कि रियासत भी थी, ऊना को कहा जाता था, ऊना जो है, ऊना का प्राचीन नाम क्या है, जसवा। और सवा घाटी, सवा नदी जो है वहाँ पे बहती है, और ये वहाँ की शोक नदी भी है और घाटी भी बनाती है। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो है 73 नदियों की एक सहायक क्या है, 73 नदियों की ये क्या है सहायक, और दौलतपुर से ये क्या है पंजाब तक जो है फैली हुई, दौलतपुर शहर है वहाँ से लेकर ये पंजाब तक फैली हुई। कौन सी, सवा घाटी या जसवा घाटी, जसवा ऊना का प्राचीन नाम और सवा नदी है वहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो है आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो है ये गगरेट अंब, जहाँ पे आपको पता है ये प्रमुख जो है वहाँ पे शहर है, सवा नदी की तबाही के कारण क्या हुआ, 2013 में हमारी केंद्र सरकार ने कहा कि भई हाँ ये जो वहाँ पे जो तबाही होती रहती हर साल, तो 2013 में 700 करोड़ रुपए जो है क्या दिए, मतलब यहाँ के लिए जो है तटीकरण के लिए, कि भाई तटीय जो क्षेत्र है इसके आस पास का, उसका जो है क्या किया जाए, मतलब उसको पक्का किया जाए ताकि जो है वहाँ पे नुकसान कम से कम हो। तो कितने दिए थे, 2013 में 700 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार ने दिया था। छठी जो घाटी है वो है पब्बर घाटी, ये रोहडू तहसील में आपको देखने को मिलेगी। और रोहडू तहसील में आपको मैंने बताया था इसकी शिमला डिस्ट्रिक्ट सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी, चांसल चोटी, चांसल चोटी से जो है बर्फ पिघल के आती है, तो किस नदी का निर्माण करती है, चंद्रनान झील का निर्माण करती है। और वहीं से जो है क्या है पब्बर नदी का क्या है उद्गम स्थल माना जाता है। और पब्बर नदी जो है रोहडू घाटी से होते हुए बहती है, रोडू घाटी के नाम से भी इसे कह सकते हैं। और ये आगे जो है क्या है चिड़ गांव में, अब चिड़ जाती है आंध्रा की, मैं भी इसी में जाके मिलूं याद करने के लिए, ठीक है। तो चिड़ गांव में आंध्रा नदी, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी अगर पूछी जाए तो कौन सी, आंध्रा, क्योंकि अंधी है तो प्रदूषित होगी, उसे कुछ पता नहीं स्वच्छता क्या है, याद करने के लिए, ठीक है। तो आंध्रा नदी में मिल जाती, आंध्रा नदी जो है चिड़ गांव में जो है किसी इस पब्बर नदी से मिल जाती है। आगे मैं बताना चाहूंगी आपको कि ये जो है आंध्रा जो है इसके प्रोजेक्ट भी बना है, शिकड़ी छोटी सी नदी है, मथरेटी है, हाटकोटी गांव में इसमें जो है त्यूनी जो स्थल है ये उत्तराखंड में और हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के आसपास पड़ता क्षेत्र है ये त्यूनी, वहाँ पे जो है ये पब्बर नदी तोंस नदी में मिल जाती है। तो मैंने चांसल चोटी से निकली, चंद्रनाहा झील से निकली, फिर आंध्रा में चिड़गांव में जो है आंध्रा नदी मिली, और त्यूनी में ये खुद पब्बर नदी जो है कहाँ किस में मिलगी, तोंस में। और तोंस किसकी सहायक नदी है, जो कि आपकी कहाँ पे आपको पता है कि ये जो आपका जो है उत्तराखंड
वाला जो क्षेत्र है यहीं पे साथ में लगता हुआ, तो ये जो है हिमाचल में खुदरी माजरी के आसपास के क्षेत्र के आसपास जो है ये तौंस जो है किसमें मिल जाता है, यमुना नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये नदी इस घाटी में पाई जाती है और ये जो है यहाँ पे बहुत सारे नाले भी आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली एलाइड वगैरह में कई बार पूछा गया। रणसार की नाली, यहाँ पे भीमा काली मंदिर है, जबकि आपको पता होगा कि हमारे पूर्व अभी जो मुख्यमंत्री जो सीएम वीरभद्र सिंह जी जिनकी हत्या हुई थी, मतलब सॉरी जिनकी डेथ हुई थी, तो उनकी उनके जो पूर्वज है यहाँ पे भीमा काली मंदिर में जो है पूजा करते हैं। यहाँ पत्थर की मूर्ति की जो है काली की मूर्ति बनी हुई है, ये भी जगदम्बा का ही रूप है भीमा काली, तो कहाँ पे ये रणसाल की नाली में पब्बर घाटी में देखने को मिलेगा। दूसरी जो है आपको ठिकराल की नाली मिलेगी, यहाँ चासर दर्रे के पास से भाजपा घाटी और सांगला तक पहुंचा जाता है। सांगला घाटी कहाँ पे, किन्नौर की। अगर पूछा जाए सोलांग जहाँ टनल बनी है, तो हमें टनल के ऊपर लांगना है, छलांग लगानी, तो सोलांग कहाँ की घाटी है, कुल्लू की। अगर सांगला पूछा जाए तो सांगला सुंदर घाटी के नाम से भी जानी जाती, तो ये किन्नौर की। और इसी जो ये रणसार की नाली स्टिकरा की नाली है वहाँ से आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। ठीक है, और आंध्र प्रोजेक्ट भी, और कहा जाता है कि पांडवों के लिए यहाँ पे क्या है मंदिर भी बने, मंदिर बने हुए हैं जो कि लकड़ी के। एलाइड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि पांडवों के लिए जो लकड़ी के जो मंदिर बने हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसी जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कहाँ पे मिलेगी आपको, रणसार या उसके साथ में लगता हुआ जो दूसरी है आपकी सैंपल की नाली, वहां भी आपको देखने को मिलेंगे, सैंपल नावर की नाली या फिर इस जिगरा की नाली में आपको देखना। चाशल दरे से दिखाई देती है पांडव की जिगहा की नाली। जिगहा की नाली में आंध्र प्रोजेक्ट, आपको पता है कि मेगावाट, 2 मेगावाट कितने मेगावाट का है, तो आंध्र प्रोजेक्ट के नाम है, आंध्रा नदी के ऊपर बना है, सुन्नी शहर और जागरु देवता इसके लिए फेमस है। सैंपल की नाली, नावर की नाली, लकड़ी के असंख्य मंदिर वहां पे बने हुए हैं, और जिनमें से एक पांडवों का मंदिर है जो कि पांचों पांडु की और द्रौपदी की जो है क्या है बड़ी बड़ी जो है लकड़ी की मूर्तियां बनी हुई है। ठीक है, दूसरा सातवां जो मैं बताना चाह रही हूँ, अश्वनी घाटी। अश्वनी घाटी जो है अश्वनी नदी से बनी हुई है, निकलती है क्योंथल घाटी के बीच में जो है, ये क्या करती है, क्योंथली भाषा बोलने वाले, क्योंथली कहाँ की है, शिमला डिस्ट्रिक्ट की भाषा है, जबकि बघाटी घाट, घाट बघाटी कहाँ की, सोलन की। तो इनके बीच जो ये घाटी का उद्गम होता है वो कौन सी है, अश्वनी घाटी। तो अश्वनी जो है क्या है, ये घाटी जो है, और ये अश्वनी रिवर पे बनती है, और अश्वनी एकमात्र ऐसी रिवर है डिस्ट्रिक्ट सोलन की जो कि हमारी गिरी नदी में कहाँ मिल जाती है, गोंडा में जाकर गिरी नदी में मिल जाती है, और गिरी नदी किस में मिलती है, राम मंदिर के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको स्प्रून घाटी, स्प्रून घाटी टमाटर और खुमानी के लिए कृषि की घाटी भी कहा जाता है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला की है। और कुनिहार घाटी, ये भी शिमला की है, और कुणी खड, कुणी छोटा सी रिवर है उससे बनी हुई है। और दसवीं के नंबर पे गंबर घाटी, ये सोलन को 2 बराबर भागों में बांटती है, और कहा भी जाता है कि यहाँ पे अंबुजा सीमेंट प्लांट देखने को मिलेगा, जतोक शहर वगैरह आपको जो है गंबर घाटी। तो गंबर घाटी कहाँ की है, सोलन की। कुनिहार घाटी कहाँ की है, सोलन की। अश्विनी घाटी कहाँ की, सोलन की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपको देखने को मिलेगा बल घाटी। बल घाटी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे जो उपजाऊ घाटी है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया है, और इसमें जो है कहा बल घाटी कहाँ की, ये उपजाऊ घाटी है, ये हमारी डिस्ट्रिक्ट मंडी की, मंडी में स्थित है। और 1962 में क्या है, इस बल घाटी को और उपजाऊ बनाने के लिए जर्मन और भारत के सहयोग से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो कब बनाया गया है, 1962 में, किसकी सहायता से, जोर लगा के जर्मन की सहायता से हमने बल घाटी में क्या बनाया है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। ठीक है, इसको उपजाऊ बनाने के लिए इसको इमला बिमला घाटी, मंडी है तो खट्टी होगी, इमला बिमला घाटी भी कहाँ मिलेगी हमें, मंडी में देखने को मिलेगी। ठीक है, करसोग तहसील शिकारी धार, इसी घाटी में पाई जाती है, इमला बिमला घाटी में। शिकारी मंदिर कहाँ पे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो शिकारी मंदिर कहाँ पे है आपका, मंडी में है, और बिना छत की देवी है, इसके ऊपर कोई भी छत नहीं डलती है, सिर्फ जो है ये ओपनली जो है ये माता का मंदिर है। ठीक है, अब जो ज़्यादा डिटेल में ना बताकर थोड़ा सा, कांगड़ा घाटी आपको ऐसे ही कांगड़ा के नाम से पता होगा, बड़ा बंगाल घाटी, बड़ा नदी, बड़ा बंगाल का ऐसे क्या है, रावी नदी का उद्गम है, तो बड़ा बंगाल घाटी कहाँ होगी, कांगड़ा में होगी। पिन घाटी, ये लाहौल स्पीति में छोटी सी नदी है, पिन नदी, तो पिन नदी जो है क्या है, आगे जाके स्पीति में मिल जाती है, स्पीति नदी जो है सतलुज में मिल जाती है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
पिन घाटी, लाहौर घाटी और स्पीति घाटी, ये आपकी लाहौल स्पीति में, और पांगी घाटी, पांगी घाटी जो चंबा का उपला क्षेत्र है उसे पांगी घाटी के नाम से जाना जाता है। पांगी द्राटी दरा और जो है छबिया दरा, इस ये दरे जो है सारे आपको चंबा के डिस्ट्रिक्ट चंबा के उपले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और आपके नेक्स्ट जो है रावी घाटी, रावी घाटी तो रावी नदी के उद्गम से होगी, तो ये कांगड़ा और चंबा क्षेत्र में जो है ये रावी घाटी जो है अपना निर्माण करती है, दोनों में आपको देखने को मिलेगी। चंद्रा भागा घाटी, चंद्रा और भागा नदियों के किनारे जो बनी हुई, जो आगे जो चंद्रा भागा जो नदी है उसके साथ साथ में जो स्थल बना हुआ, मतलब इसकी मिट्टी से बना हुआ स्थल है वो क्या कहलाता है, चंद्रा भागा घाटी। और जहाँ पे मिलन होता है वहाँ पटन घाटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पटन घाटी को अचार के नाम से बागवानी की खेती के लिए भी माना जाता है। चुराहा घाटी और चौहार घाटी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा मैं मेथड बताना चाहूँगी। चुहार घाटी कि हार कहाँ डाला, हमने पीछे का वर्ड पकड़ना है, हार कहाँ डालेंगे जहाँ की सुगम पहुँचना हो, तो कहाँ है मंडी में हम आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन चूराहा राहें कहाँ होती है, दर्रे कहाँ होते हैं, जहाँ बहुत ही दुर्गम स्थल होता है, ऊंचा स्थल होते हैं, वहाँ रास्ते ही जा सकते सड़कें नहीं, तो चूराहा रहा जहाँ चूराहा आएगा वो कहाँ पे आएगा, चंबा में, राहें कहाँ आएगी, चंबा में, और हार कहाँ आएगा, चौहार कहाँ आएगा, तो ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा, ये मिलेगा मंडी में। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।